माननीय अध्यक्ष जी, ये एक महत्वपूर्ण चार विधेयक हैं जिनको संयुक्त रूप से इसलिए लिया जा रहा है कि इनका जो सब्जेक्ट मैटर और संदर्भ है वो सेम है। संसद ने और संसद के बाद बहुमत की दृष्टि से देश की विधानसभाओं ने संविधान का 101वां संशोधन पारित किया था। इस संशोधन को पारित करने से पूर्व जो इस देश में इनडायरेक्ट टैक्सेस की प्रणाली थी, वो प्रणाली जो आज भी चली आ रही है, जो 15 सितंबर इस वर्ष तक चलेगी, उसके तहत कुछ टैक्सेस केंद्र को लगाने का अधिकार था, कुछ टैक्सेस राज्यों को लगाने का अधिकार था। और इसलिए बहुत वर्षों से ये चर्चा चल रही थी कि इन टैक्सेस को इकट्ठा मिलाकर एक संयुक्त रूप से टैक्स देश के अंदर हो, जो सारे देश के अंदर अपने आप में लागू हो। इसका उद्देश्य भी बड़ा स्पष्ट था कि एक बार ये टैक्स लागू हो जाता है तो जब जितने भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, पूरे देश के अंदर उनका मूवमेंट हो पाएगा, पूरे देश में एक जैसी टैक्स प्रणाली होगी, एक असेसी का केवल इंटरफेस एक असेसिंग अथॉरिटी के साथ होगा, और जो उसमें से टैक्स निकलेगा वो केंद्र और राज्य अपने आप में बांट लेंगे। अब इस व्यवस्था को बनाने के लिए पहले एक एम्पावर्ड कमेटी कई वर्षों तक कार्य करती रही और एक आम राय के बाद सर्वसम्मति से संसद के दोनों सदनों ने इसको पारित किया था। यह संविधान संशोधन क्या था और इसका असर क्या है, हम लोगों को इन कानूनों को चर्चा करना और पारित करने से पूर्व इनको समझ लेना पड़ेगा। और इसका कारण स्पष्ट इसलिए है, मैं इसकी आवश्यकता इसलिए समझता हूं कि आज तक जो देश में व्यवस्था रही है उस व्यवस्था से भिन्न एक लेजिस्लेटिव व्यवस्था भी अब देश के अंदर बन रही है। आज तक जो देश में व्यवस्था रही है उसमें एक सेंट्रल लिस्ट है, केंद्र की सूची है, जिसमें एकाधिकार कानून बनाने का केंद्र का रहता है। एक राज्यों की सूची है जिसमें एकाधिकार कानून बनाने का अधिकार राज्यों का रहता है। जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें केंद्र को प्राइमेसी मिलती है कि अगर केंद्र उसकी दृष्टि से कानून बनाता है तो वो फिर लेजिस्लेटिव स्पेस केंद्र की हो जाती है, राज्य को उसको मानना पड़ेगा, और अगर केंद्र नहीं बनाता तो फिर राज्य को अनुमति के साथ कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन ये जो संविधान संशोधन हम लोगों ने पारित किया वो आज तक 1950 से, जब से संविधान बना, जो व्यवस्था चली आ रही थी कि उस कानून को बनाना और उस व्यवस्था का संचालन करना या केंद्र करेगा या राज्य करेगा, ये उससे भिन्न हटकर है। इट इज डिफरेंट बिकॉज वी आर नाउ क्रिएटिंग बाय लॉ अ ज्यूरिसडिक्शन साइमल्टेनियसली बोथ इन द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड इन द प्रोसेस हैंडिंग ओवर द इनडायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन टू द फर्स्ट फेडरल इंस्टीट्यूशन दैट इंडिया हैज क्रिएटेड वेयर द सेंटर एंड द स्टेट्स बोथ विल पार्टिसिपेट। ये किस तरीके से किया, एक बार जो संविधान संशोधन है जो हम लोगों ने बनाया उसके एक दो उसके प्रावधान है वो पढ़ने आवश्यक है। इसका जो अधिकार मिला वो आर्टिकल 246 कैपिटल ए से मिला। आर्टिकल 246 कैपिटल ए ये कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 एंड 254 पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट have the power to make laws with respect to goods and services tax imposed by the union or by such states. इसका अर्थ यह है आर्टिकल 246A का कि संसद को भी और राज्यों की विधानसभा को भी गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स लगाने का अधिकार होगा, और इस अधिकार का दोनों प्रयोग कैसे करेंगे कि उस अधिकार में आपस में टकराव ना आए, क्योंकि जो संघीय ढांचा है वो तभी चल सकता है।
इसकी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने दो प्रावधान और बनाए, आर्टिकल 269A, जिसका संदर्भ IGST के साथ है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स में जो टैक्स लगेगा वो केंद्र को किस प्रकार से लगाने का अधिकार होगा। और आर्टिकल 270 उसका प्रावधान है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इटसेल्फ। इसके बाद जो उसकी पूरी व्यवस्था थी वो हमने आर्टिकल 279 कैपिटल ए में डाली। आर्टिकल 279A के माध्यम से GST काउंसिल बनाई गई। GST काउंसिल में 29 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरीज जिनमें विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी, यानी 29 + 2 = 31, और एक केंद्र, यानी 32 राज्यों का प्रतिनिधित्व रहेगा। उन राज्यों के जो वित्त मंत्री होंगे वो उसके सदस्य होंगे। और उस GST काउंसिल को हमने ये अधिकार दे दिया कि आप रेकमेंड कीजिए कि टैक्स का ढांचा कैसा होगा, टैक्स की प्रणाली क्या होगी, टैक्स की व्यवस्था क्या होगी, और इस टैक्सेशन के संबंध में कानून किस प्रकार से बनेंगे। सो द पावर टू रेकमेंड, और इसमें जो प्रावधान मैं पढ़ दूं, 2679A में जो 4 है, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल शैल मेक रेकमेंडेशंस टू द यूनियन एंड टू द स्टेट्स, यानी केंद्र सरकार को भी और राज्यों को भी काउंसिल सिफारिश करेगी ऑन ए टैक्सेस एंड सेसेस एंड सरचार्जेस, बी द एग्जेम्पशंस, सी द मॉडल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉस। तो जो कानून भी हैं उनकी व्यवस्था भी एक प्रकार से ये काउंसिल अपने आप में तय करेगी। और इस काउंसिल की हम लोग अभी तक 12 मीटिंग्स कर चुके हैं। हर मीटिंग एक दिन, दो दिन, तीन दिन चलती है, कई घंटों तक चलती है। और हम लोगों का एक प्रयास ये रहा कि एक ऐसी व्यवस्था बने कि ये काउंसिल एक प्रकार से सर्वसम्मति के साथ अपने निर्णय ले। अब उस सर्वसम्मति के साथ जो निर्णय काउंसिल ने लिए हैं, उसने अपनी रिकमेंडेशन 5 कानूनों के संबंध में भेजी है, जो 4 संसद के सामने आएगी और एक रिकमेंडेशन हर राज्य की विधानसभा और 2 यूनियन टेरिटरीज जिनमें विधानसभा, यानी 31 विधानसभाओं के सामने जाएगी। ये 5 कानून क्या हैं? पहला कानून है सेंट्रल GST लॉ। अब सेंट्रल GST लॉ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको इंटीग्रेट कर देता है। वो टैक्स कितना लगेगा ये काउंसिल तय करेगी। कानून में उसकी ऊपरी सीमा क्या है केवल उसकी व्यवस्था की जाती है। और उस टैक्स को इकट्ठा करना, उसको कलेक्ट करना और उसकी जो संचालन की सारी व्यवस्था CGST लॉ के अंदर है। इसका दूसरा कानून है SGST लॉ, जो केंद्र के सामने नहीं आएगा, जो 31 विधानसभाओं के सामने जाएगा, जो सेंट्रल लॉ का एक प्रकार से मिरर इमेज है कि हर राज्य में जो स्टेट GST है वो किस प्रकार से लगेगा। तीसरा कानून है इंटीग्रेटेड GST, जो इंपोर्ट्स के संबंध में या एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसके संबंध में जो इंटरस्टेट ट्रेड के ऊपर टैक्स लगता है जो उसका संचालन करेगा। तीसरा कानून है UT GST लॉ, यूनियन टेरिटरी GST लॉ। 5 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें विधानसभा नहीं है, चंडीगढ़, अंडमान्स, निकोबार एक्सेट्रा, और इसके अलावा टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड जो भारतीय टेरिटरी मानी जाती है वो भी यूनियन टेरिटरी मानी जाती है कि उसके अंदर जो टैक्स लगेगा। तो चौथा लॉ उसी व्यवस्था में UT GST लॉ है। और ये कानून एक प्रकार से जो CGST लॉ है उसके प्रावधानों को इनकॉर्पोरेट कर लेता है और उन
यूनियन टेरिटरीज के ऊपर लागू करता है। और जो पांचवा और अंतिम कानून है कि संविधान संशोधन में हमने यह कहा था कि पहले 5 वर्ष तक अगर किसी राज्य को भी इसमें घाटा होता है तो उस घाटे की पूर्ति की जाएगी। ना हाउ इज दैट कॉम्पेंसेशन टू बी पेड? उस कॉम्पेंसेशन को पे करने की जो व्यवस्था बनाई है वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि अभी हम लोगों ने मल्टीपल टैक्सेशन ब्रैकेट्स रखे हैं। काफी कमोडिटीज और गुड्स ऐसे होंगे, विशेष रूप से जो खाने की चीजें हैं, जो सस्ते होने चाहिए, जो जीरो रेटेड होंगे। तो पहला टैक्स स्लैब अपने आप में जीरो रहता है, दूसरा टैक्स स्लैब 5% का होता है, तीसरा टैक्स स्लैब हमने 2 स्टैंडर्ड रेट रखे हैं 12% या 18%, और जो हाई कमोडिटीज हैं उसका रखा है 28%। लेकिन कई ऐसे गुड्स हैं जिनका स्वास्थ्य के ऊपर एडवर्स असर पड़ता है, जिनको सिन प्रोडक्ट्स कहते हैं या लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, जिनके ऊपर आज टैक्सेशन व्यवस्था 28 से ज्यादा है। मान लीजिए टबैको रिलेटेड सिगरेट्स, इस तरह के आइटम्स हैं, ये 60-65% तक जाते हैं। लग्जरी व्हीकल्स 40% तक जाते हैं। इसलिए लग्जरी आइटम्स और सिन प्रोडक्ट्स और एनवायरमेंट, जैसे कोल के ऊपर सेस हम लोग लगाते हैं, वो एनवायरमेंटली पर्यावरण की दृष्टि से वो टैक्स लगाना आवश्यक होता है। तो जितना इन कमोडिटीज पे एक्स्ट्रा अमाउंट 28% के ऊपर होगा, 5 वर्षों के लिए उसको कॉम्पेंसेशन सेस मान लिया जाएगा। मान लीजिए अगर सिगरेट पे 65% लगता है, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, या लग्जरी व्हीकल पे 40% लगता है, तो 28 से ऊपर वाला कंपोनेंट उसका कॉम्पेंसेशन फंड में चला जाएगा, और ये कॉम्पेंसेशन फंड उन राज्यों को मिल जाएगा जिस राज्य को कोई नुकसान होता है। और अगर नुकसान नहीं होता या इसमें से कोई कोष बच जाता है तो वो पैसा फिर राज्य और केंद्र के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 5 वर्ष तक ये सेस की व्यवस्था हम लोगों ने रखी है। एक सुझाव यह था कि इसको हम टैक्स के रूप में लाएं, लेकिन अगर टैक्स के रूप में लाते तो ये जीएसटी काउंसिल ने डिस्कस किया तो उपभोक्ता के ऊपर इसका बहुत असर पड़ता। आज तो वो लग्जरी कार पे 40% दे रहा है या सिगरेट पे 65% दे रहा है, तो उसका एक हिस्सा हम लोगों ने सेस के रूप में बांध लिया और मौजूदा कीमतें रहेंगी, इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम टैक्स लगाते हैं तो टैक्स का एक हिस्सा डेवोल्यूशन में जाता है, दूसरा हिस्सा फिर राज्य और केंद्र के अंदर बंटता है, फिर उसमें से जो केंद्र का हिस्सा आएगा, यानी 50,000 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन पैकेज बनाने के लिए देश की जनता पे 1,72,000 करोड़ रुपया टैक्स लगाना पड़ता। लेकिन ये जो वैकल्पिक व्यवस्था की है इसमें कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगेगा और मौजूदा ढांचे के अंदर में से ही कॉम्पेंसेशन कलेक्ट होकर किसी लूजिंग स्टेट को कॉम्पेंसेशन दिया जा सकेगा। तो आज संसद के सामने अभी जो व्यवस्था अभी तक हुई है, उस व्यवस्था के दौरान ये 5ों कानून तैयार हो चुके हैं, जो रूल्स बनने हैं कई रूल्स तैयार हो चुके हैं, बकाया रूल्स 31 तारीख को तैयार होंगे। और एक ब्रॉड प्रिंसिपल काउंसिल ने तय किया कि काम का बंटवारा राज्य और केंद्रों के बीच में कैसा होगा, उसके ऊपर सर्वसम्मति हो चुकी है। और इसके अतिरिक्त कि किस कमोडिटी को किस टैक्स ब्रैकेट में फिट करना है, ये एक प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो जाएगी। और उसका बुनियादी सिद्धांत यह रहेगा कि आज कोई व्यक्ति एक्साइज कितना देता है, कोई कमोडिटी पे वैट कितना देता है, कुल टैक्स कितने लगते हैं, और फिर काउंसिल तय करेगी कि जो उसके सबसे नजदीक टैक्स ब्रैकेट है उस टैक्स ब्रैकेट में उसको फिट कर दिया जाए ताकि इसकी टैक्स कंपोनेंट अलग ना हो। मैं केवल इतना आरंभ में एक अंतिम बार कहना चाहता हूं कि द लॉ दैट वी आर डीलिंग विद, इवन दो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव द प्लीनरी पावर टू लेजिस्लेट, बट दिस इज अ यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर्स बिकॉज
Ordinarily, we legislate in areas which exclusively belong to the domain of parliament or to the domain of the state legislature. Here we are legislating in an area where we have simultaneously under Article 246A conferred jurisdiction on both center and states. So the states have pulled in their sovereignty to the GST Council. The center has pulled in its sovereignty to the GST Council. So GST Council is India's first federal institution where sovereignty of the center and the states in relation to indirect taxes has been pooled together in a federal institution. Now, to create India's first federal institution, it is incumbent on all of us to make sure that this federal institution works. And therefore, in order to make this federal institution works, the delicate balance between what the center and the states have unanimously agreed is almost a federal contract. It's a federal contract with a constitutional sanction, which if any of the contracting party says, I unilaterally get out of it, or I will legislate something different. So can there be a situation that all the 32 legislatures say, I will make one or two changes to the law that we have all agreed? Now, if 32 different changes come and 32 different laws come, then GST becomes difficult, if not impossible, to implement. Therefore, while we discuss this law, we are free to make our recommendations to the council, which I, as your representative, will carry to the council. But at the same time, we will have to honor this federal relationship which we have established by way of pooled sovereignty. So whatever the center and the states have agreed can be implemented. Any form of unilateralism by any legislative body, I think, is possible when the area exclusively belongs to your domain. Once we are dealing with a delicate issue of center and state relations, I hope we are guided by to maintain that delicate balance of that relationship itself. With these few words, madam, I recommend these laws for consideration of the Honourable. Thank you.